बाद में गंदा ना पीएम साहब को यहीं बुलाओ, यहीं बुलाओ पीएम साहब को, पीएम साहब को यहीं बुलाओ और जब बुलाकर आरो गलत कह रहे हो हम बात जब को तो भाई बोलते क्यों नहीं था हमारे भी तो साथ है सही पापा ये हमें आप भी मदद तो कुछ पीएम ने बुलावट नहीं लगा था मेरा फंडा कट गया मेरे सामने जी बुला के साइन करवाए और हमने यहां ध्यान दीजिए पैसे क्या करोगे अब अरे बुला के साइन करवाए मेरे अंक कोरे थे पर्चे हम क्रिमिनल का पेजल भेजते मेरे अंक कोरे थे पर्चे हम अपने हक की लड़ाई कैसे चला जाएगा रो और तो मेरी गेंद लो नहीं मरेंगे जो बेईमान झूठा झूठा है झूठा मेरे आपके बुला के साइन करवाए बता देना चाहिए कर सकते हैं इस बात का ये मैंने दोबारा से माँ भाई मर जाओ सब मरो सरकार नहीं मरो मैंने दोबारा बुला के वो फोटो वो अटेस्ट नहीं थे इन्होंने उन्हें बाद में बुला करके मैं फोटो अटेस्ट कराए हैं पूरा प्रशासन के साथ मिला हुआ है ये विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं जनता का मैंडेट आ चुका है इस सरकार का ये कारनामे इसकी सत्ता में आखिरी की चीजें जो है जिस तरीके के ये कर रहे हैं ये इस तरीके से नहीं और हम इस अधिकारी से ही कहते हैं कि तुम अपने बच्चों का नियम करके बीच में महाशक्ति को बुला करके दस्तखत कराए या नहीं कराए हैं प्रशासन ने सत्ता पक्ष के साथ मिली भगत करके दोनों ही पर्चे हमारे सारे साइड जो है वो कैंसिल करा दिए ये सरासर तनाशाही है और ये अन्यायपूर्ण है ये विपक्ष का गला घोटने वाली बात है इस सरकार में इस प्रशासन में इतना ताकत नहीं है कि ये विपक्ष का मुकाबला कर सके और ये जबरदस्ती करके जाए जबरदस्ती करके सत्ता पक्ष के लोगों को जो है चुनाव जिताने का काम कर रहे और हम इस चीज़ का डटकर विरोध करेंगे और इसीलिए जो है हम यहाँ से जनसंघ में बैठे हम यह ताना सही नहीं चलने देने के ये गलत बात है भाई ये कोई मिस्टेक नहीं होती जब अनुमोदक प्रस्तावक जो है सामने खड़े अभी भी सामने तो अब भी सामने खड़े हैं तो फिर उनका जो है उनके साइन की क्या हो रहेगी फोटो पर साइन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरें तो जुड़िए बीजेटी न्यूज के साथ खबर को लाइक और शेयर करना मत भूलिए इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।